छतरपुर जिले का महाराजपुर शहर इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है। इस शहर के लगभग आधा दर्जन वार्ड ऐसे हैं जहां लोगों को नियमित पानी नहीं मिल रहा है और उससे उनकी आम जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पानी न मिलने के कारण नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें बुधवार की हैं जब लोगों ने खाली मटके लेकर यहां पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने इस मामले में सीबी उपाध्याय जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं और अन्य कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि अभी तो भीषण गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, फिर भी नगर के अनेक वार्डों में लोग जल संकट से बुरी तरह परेशान हैं। इस मामले में दूसरी तरफ अम्मा का नाम काय के लाने आई थे? पानी के लिए आई। क्या समस्या है? पानी 15 दिन में आता है, वो भी पूरा नहीं भरता है। वो हमको 4 दिन में पानी चाहिए, चाहे आध घंटा दो पानी हमको लेना है। तो क्या समस्या हो रही है पानी ना आने की? पानी कुछ नहीं आता, आता है तो उसमें कीटाणु रहते। हम लोग 15 दिन का पानी पीते हैं, ना कुआ है वहाँ, ना कुछ है, बोर का पानी मिलता है। तो क्या कहना है इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी? चाहिए वहाँ। शिकायत की है इसकी आप लोगों ने? और क्या, कहाँ पर? नगर पालिका में। पानी की समस्या हम लेकर आए हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आता पानी, बिल्कुल हमारे यहाँ 15 दिन में नल आता है और बिल्कुल 25 मिनट नल तक नहीं आता, और इतना बेकार पानी आता है कि हम लोग पीते हो तो तुरंत हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग वहाँ पर गए नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत की है इस संबंध में? हाँ, इस संबंध से मैंने सीएमओ मैडम से भी चीज से शिकायत की है। क्या कहना है उनका? वो कह रही थी कि नहीं वो तो हो जाएगी, हम लोगों ने पूछा भी है तो वो लोग हमसे बोली नहीं है, कुछ नहीं बोली। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या होगा? अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग इसका आगे करेंगे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीबी उपाध्याय का कहना है कि उनके द्वारा जल संकट से जूझ रहे लोगों तक पानी पहुंचाने की प्राथमिकता है और वे इस काम में निरंतर प्रयासरत हैं। कंटिन्यू हम लोग नजर रख के कुएं में पानी डलवा रहे हैं, जल स्तर कम है और अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, आ रही है, मैं भी मानती हूँ, हम लोगों ने कर लिया है। एक भरत चौरसिया के यहाँ से बोर का अधिग्रहण किया गया था, उस बोर का पानी खत्म हो गया, अभी एक और बोर मिला है हमको, उससे हम पानी कंटिन्यूसली रोजाना कम से कम 30 से 32 टैंकर्स पानी डल रहा है हमारे को, ठीक है। और दिक्कत है ये मैं मान रही हूँ और धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं।